चुनाव हो रहा है तो दिमाग तुम भाई तुम तो सतिया दिल बहु अब तो पंद्रह पदल थाना भेज देते राजभर के चैलेंज लगावा थी हम तो चैलेंज लगाइए राजभर 5,000 से चैलेंज मारे हम कुछ चुनाव जीते तो 5,000 हम दे हम जीते बुद्धियां अब जाते राजभर से पूछिए अपने घर वाले को जिताना है अभी देशी को भगाना है जो इस माटी पर नहीं पैदा है बहू की माटी पर वो विदेशी है और जो इस माटी पर पैदा है वो स्वदेशी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में घोसी विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को अपने प्रत्याशी तारा सिंह चौहान के चुनाव प्रचार के लिए उतारा है ताकि जीत को सुनिश्चित किया जा सके तो उसके बिल्कुल उलट समाजवादी पार्टी के छोटे से नेता नवरत्न यादव भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए जनसभाएं कर रहे हैं चौपालें कर रहे हैं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप लोग कभी चीज बात कर रहे थे तो नेता जी आप लोग के सामने आए राज के साथ पांडे के संग मिलाकर चलने वाले आए सुधाकर सिंह आप लोग के सामने आए कहीं भी जाता है इनके दीवार पे सबको सम्मान देते हैं सम्मान देते आए हैं ये 5 साल से आप लोग का चेहरा करके आ रहे हैं किधर मिले सेना मिले आप लोग की सेना में हमेशा रहते हैं दूसरे पार्टी के किनारे में आप लोग के बीच में थी मिल जाए फिर नब्बे जीत के भाग जाएंगे आ जाऊंगा तो आप लोग जिताने नहीं तो भगाने का मौका दीजिए आने वाले 5 तारीख का साइकिल पे बटन दबा के हमारे सुधाकर जी के भाई के बारे में कुछ भी बिजी बनाएगा आपको याद दिला दें कि जब मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हुई थी तो उन्हें देखने के लिए नवरत्न यादव पैदल ही निकल पड़ा था लेकिन कानपुर में राज्य के रेलवे पुलिस ने उसे रोक लिया था जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी और अब वो पूरे घोसी में घूम घूम कर सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। इस दौरान नवरत्न यादव से ओपी राजभर के अखिलेश यादव को सैफई भेजने वाले बयान के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि राजभर पूरी तरह से सठिया चुके हैं दिमाग तुम्हारा तो उतना ताम नहीं कर रहा है के कर उचित था वो चुनाव हो रहा है तो दिमाग तुम्हारा नहीं ताम तो सतिया दिल बहु हाँ अब तो 15 पदल थाना भेजे पे हाँ। इतना ही नहीं किसी मंझे हुए नेता की तरह नवरत्न यादव ने ओपी राजभर को चैलेंज तक कर दिया और कहा कि अगर सपा जीती तो 5,000 रुपए राजभर उन्हें देंगे और अगर बीजेपी जीती तो शर्त के 5,000 रुपए वो देंगे। राजभर के चैलेंज लगावा थी हम तो चैलेंज लगाइए राजभर 5,000 से चैलेंज मारे हम वो चुनाव जीते तो 5,000 हम दे हम जीते बुद्धियां आप जाते राजभर से पूछिए राजभर तो क्या होता थे। इस दौरान सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का कहना था कि जो मऊ की धरती पर पैदा हुआ है वो स्वदेशी है और बाहर वाले विदेशी हैं और बाहर वालों को हराना है और स्वदेशी को जिताना है यही अपील वो जनता से कर रहे हैं। साथ ही ओपी राजभर के यादवों के मुख्यमंत्री बनने वाली बात पर सुधाकर सिंह ने कहा कि राजभर पहले इस बारे में सोच लें कि वो अगली बार विधानसभा जा भी पाएंगे या नहीं। कहा मैंने नाम लिया कि इसको भगाना थोड़ी किसी को अपने घर वाले को जिताना है अब विदेशी को भगाना है बस विदेशी कौन है अब समझ जाइए जो जिले से बात इतना समझदार आप हैं तो आप नहीं समझ जाते हैं जो इस माटी पर नहीं पैदा है मऊ की माटी पर वो विदेशी है और जो इस माटी पर पैदा है वो स्वदेशी है वो करीब योग्य बनेंगे अपने आप वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अरे यह कहे कि अगली बार विधानसभा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसकी बात सोचे मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है। कितने हजार वोटों से जीत रहे हैं आप? मैं कोई बक्से में थोड़े बैठा हूँ गणितज्ञ थोड़े हूँ ये जानता हूँ कि जनता भारी वोटों से जीता रही है 50,000 के दावा कर दिए बीजेपी वाले हाँ तो थोड़ा उनका और बढ़ा दीजिए और पढ़ना तो आई जाएगा वो जो उनका है उसको कर बता दीजिए बताने में क्या लगता है इतना गांव घूमे कहीं बीजेपी के कोट लौका था कहीं कौन गांव में लौका दिखाई दे बता दीजिए। घोसी का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है और उससे पहले सपा नेता उमेश पांडे ने बीजेपी में शामिल होकर सपा के इरादों को थोड़ा तो कमजोर कर ही दिया है।